देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश हैंडसेट है, इसकी शील्ड वगैरह पूरी तरीके से पैक्ड है। अभी इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ है, केवल मैंने इसके स्टिकर वगैरह रिमूव किए हैं। ये देखिए बिल्कुल अनटच्ड है, ठीक है, कोई भी वर्क इस हैंडसेट पर नहीं हुआ है। और इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है उसका सीपीयू नंबर है SM6115 क्वालकॉम का, ठीक है, और जो एमएमसी लगी हुई है वो सैमसंग की है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले आपको इसकी पावर आईसी निकाल कर लगा कर दिखाऊंगा, जिसमें से आप देख लीजिए यहाँ पर हमें शील्ड कट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऊपर से ही काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास मैंडेटरी है एक बेहतर क्वालिटी का पीसीबी स्टैंड होना चाहिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से काम कर सकें, आपका बोर्ड जो है वो डिसबैलेंस ना हो। यहाँ पे आपके एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो 300 से 330 के अप्रोक्स रहेगा, और एयर रहेगी 4 to 5 के अप्रोक्स, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा प्री हीट करेंगे आईसी को। प्री हीट करने से बेनिफिट ये होगा कि हमारा फ्लक्स पेस्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही लगेगा। फ्लक्स पेस्ट लगाने का उद्देश्य ये रहता है कि इससे जो हमारा शोल्डर होता है वो थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आसपास हमारे अगर कोई प्लास्टिक कंपोनेंट हैं तो उनके ऊपर आप कोई प्लास्टिक को कवर करने के लिए टेफ्लॉन टेप, सिल्वर टेप या फिर शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आईसी को पहले से ही पिक करके रखूँगा। फर्स्ट टाइम जब आप आईसी निकालेंगे तो जो कंपनी से इसमें शोल्डर लग के आता है वो अप्रॉक्स 260-270 डिग्री का होता है, ठीक है, तो आप लोगों को टाइम लग सकता है आईसी को निकालने में। और जो मैं आपको टेम्परेचर बता रहा हूँ वो आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि इसको निकालने में आपको टाइम लग जाए, ठीक है। ये ग्लास आईसी है, बहुत आहिस्ता आपको काम करना है, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब इसको क्लीन कर लेंगे नीचे के सभी पैड्स को। यहाँ पे पैड्स को क्लीन करने के लिए आप बेहतर क्वालिटी के लिए 138 डिग्री का डिशोल्डर यूज़ कर सकते हैं, सॉरी डिशोल्डर कह रहा हूँ मैं, शोल्डर यूज़ कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जब भी काम करेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 138 डिग्री का शोल्डर पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा थोड़ा। ये मैंने बिल्कुल आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना, ठीक है। और डिजिटल आयरन का इस्तेमाल करना है। डिजिटल आयरन का जो टेम्परेचर है मदरबोर्ड पे आपका, ये मान के चलिए अप्रॉक्स 350 का रहेगा, इससे ज़्यादा करना सही नहीं है। और एक बार इसके सारा टेम्परेचर मेल्ट कर लेते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको। देखिए दोस्तों, उसका टेम्परेचर जो है मैंने डाउन कर लिया है। अब डिशोल्डरिंग वायर्स है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको पिक कर लेंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है आपको चारों साइड से, और आपको धैर्य रखना है, जल्दी नहीं करना है कि आप लोग सोचो कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करने में आपका काम ख़राब हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपका डिशोल्डरिंग वायर जो है बहुत ड्राई चल रहा है तो आप स्मूथनेस के लिए डिशोल्डरिंग वायर को रोजिन में डिप कर सकते, क्योंकि रोजिन में डिप करने से स्मूथ चलने लगता है डिशोल्डरिंग वायर, और मदरबोर्ड पर स्क्रैच आने का कोई इशू नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए सारे पैड्स क्लीन हो चुके हैं, अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ब्रश जो इस्तेमाल करना है वो हीट रेजिस्टेंस ब्रश का इस्तेमाल करना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप बोर्ड पे काम करोगे, अगर आपके मदरबोर्ड पे हीटिंग है और आप नॉर्मल ब्रश इस्तेमाल करोगे तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर कॉटन क्लॉथ रख के भी आपको एक बार ऊपर से क्लीन कर लेना है। देखिए हमारे पैड जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, थोड़ा डस्ट का ख्याल रखना है आपको। देखिए हमारा जो मदरबोर्ड है पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, अब हमें इसको क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आईसी को क्लीन करने की आवश्यकता है। इस टाइम पे आपके पास एक आईसी होल्डर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप आईसी को सही तरीके से होल्ड कर पाएंगे। ये आईसी होल्डर है, जिससे कि आपकी आईसी जो है इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होगी। अब इसको भी क्लीन करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा से 138 टेम्परेचर का पीपीडी लगाऊंगा और थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फ्लक्स पेस्ट जो है वो इंजेक्शन बेस्ड यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है इंजेक्शन बेस्ड यूज़ करने से,
क्या होगा कि जितनी आवश्यकता है उतना ही लगेगा, ठीक है। और आईसी के ऊपर जो है आपका जो आयरन का टेम्परेचर है वो 300 के अप्रोक्स रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे दो बॉलेंस की देखिए ब्लैक दिख रहे हैं ड्राई शोल्ड, इसको क्लीन कर लेते हैं। अब डिशोल्डिंग वायर से इसको साफ कर लेते हैं। आपको डिशोल्डिंग वायर स्वाइप करना है, ना कि आईसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आईसी आपकी डैमेज हो जाएगी। जैसे हमारी क्लीन हो चुकी है पूरी तरीके से, इसको रिबॉल कर लेते हैं। रिबॉलिंग के लिए आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए। चलिए पहले स्टेंसिल मैच करा के देख लेते हैं कि कौन सी स्टेंसिल मैच, चलिए ये स्टेंसिल मैच करेगी 0.4, ठीक है। ये वाली स्टेंसिल भी मैच कर सकती है इसमें, ठीक है। इस वाली स्टेंसिल से इसको रिवॉल्व करेंगे। थोड़ा सा पीपीडी आप लोग ड्राई कर लीजिए, टिश्यू पेपर रखेंगे उसके ऊपर आईसी को होल्ड करेंगे, स्टेंसिल मैच करेंगे। और देखिए रिवॉल्विंग करने के दौरान आपके पास एक बेंड ट्विज़र होना चाहिए। बेंड ट्विज़र का बेनिफिट ये है कि आप सही तरीके से स्टेंसिल को होल्ड कर पाएंगे। रिवॉल्विंग के दौरान जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो 240-250 रहेगा, एयर ज़ीरो रहेगी। ऊपर से पीपीडी फिल कर लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि काम हम लोगों से ख़राब नहीं होता है या रिबॉलिंग करते समय डिस्टरबेंस नहीं होता है, सबसे होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें डरने के बाद देखिए टेंशन उसको लेनी है जो बंदा रिबॉलिंग करता है और काम नहीं हुआ उससे और वो पैनिक होने लगेगा। आपको पैनिक नहीं होना है। मैं भी रिबॉल कर रहा हूँ, मान लीजिए बाई चांस मुझसे ख़राब हो जाता है या रिबॉलिंग नहीं होती है तो क्या करूँ, नहीं करूँ काम, रख दूँ इसको, ऐसा नहीं है। आपको दोबारा करना है इसके ऊपर, ठीक है। एक साइड से आपको हल्के हल्के हाथ से इसको, बहुत ज़्यादा पास नहीं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ये आपकी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। हीट करने के बाद आपको मिनिमम 5 से 10 सेकंड वेट करना है कि आपका जो शोल्डर है वो हार्ड हो जाए। एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं। हाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब अगर आपकी आईसी स्टेंसिल में लगाने के बाद बाहर नहीं निकल रही है तो आप यहाँ पर क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी आईसी आपकी बाहर निकल आएगी। अब आपको यहाँ पे हल्का से ट्विज़र से पुश करना है, आपकी आईसी बाहर हो जाएगी। देखिए ये यूनिवर्सल से मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ तो इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलेगी क्योंकि एक्स्ट्रा शोल्डर इसमें आ जाता है। ये आपकी आईसी बाहर आ गई है। अब इसको एक बार क्लीन करके आपको दिखा देते हैं, एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गई हैं अपनी जगह पे। अब आप इसको स्मूथ करने के लिए इसके ऊपर हल्का से फ्लक्स पेस्ट लगाकर हीट कर सकते हैं। देखिए फ्लक्स पेस्ट आपका ज़्यादा ना लग जाए इसलिए पहले आप इसको थोड़ा से प्री हीट करिए, फिर इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट लगाइए। यहाँ पे आप एयर थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जितना भी एक्स्ट्रा फ्लक्स पेस्ट होगा इसमें वो बाहर निकल जाएगा। ये ऐसी आपकी रिवॉल्व हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, गौर से देख सकते हो आप। चलिए इसको मदरबोर्ड पे फिक्स करते हैं। चलिए इसकी आईसी को इंस्टॉल कर लेते हैं सही तरीके से। पहले करना क्या है, आपको मदरबोर्ड को हल्का से प्री हीट करना है क्योंकि हमें इसके ऊपर भी हल्का से फ्लक्स पेस्ट लगाना होगा। और एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि आपके बोर्ड पे किसी भी प्रकार की कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, ठीक है। इतना ही फ्लक्स पेस्ट आपको लगाना है, हालांकि मेरे हिसाब से अभी मुझको ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, बाद में आप लगा सकते हो ज़्यादा। आईसी की लोकेशन मैंने देख ली थी, अब इसको सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम लोगों ने सेट कर लिया है। अब आईसी को लगाने के लिए जो हमारा टेम्परेचर और एयर रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा हमारा 300 से 310 के अप्रोक्स और एयर रहेगी हमारी 1 से 1.5, ठीक है। हल्के हाथ से आपको हीट करना है, बहुत ज़्यादा सर्कल नहीं लेने हैं। मान लीजिए अभी अगर हमसे गलत लग जाती है तो आपको ख़राब होने का टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपको तरीका मालूम है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें चारों तरफ जो है वो इंडिकेशन पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं जिससे कि आप पहचान सको कि आईसी कितना आगे पीछे सेट करनी है आपको, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ये चारों तरफ से बबल करने लगी है, तो इसको हल्का से पुल करके देखेंगे, या ऐसी हमारी लग चुकी है। अब थोड़ा सा वेट करना है इसके ठंडा होने का। हाँ क्या हुआ, अब इसको चलिए चेक कर लेते हैं मदरबोर्ड में फिक्स करके कि क्या कंडीशन है, हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, हैंडसेट हमारा चालू हो गया है। देखिए 1% बैटरी आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल बैटरी इसकी चार्ज नहीं है ज़्यादा, ये देखिए, इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। देखिए चार्जिंग हो रही है, 2% हो गया है, फुल ऑन करके दिखाते हैं आपको। देखिए ऑन कर दिया मैंने, ओप्पो लिख के आ गया है, अभी हैंडसेट पूरा ऑन हो रहा है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। आपने पावर आईसी का स्टेप देखा कि मैंने किया कैसे है। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी मॉडल पर मिलेगी कि EMMC इसकी ब्लैक पेस्टेड है, उसको कैसे निकालें और कैसे ही रिवॉल्व करके लगाएं कि हमारा हैंडसेट बिल्कुल परफेक्ट रहे।